Hello students, in this video we start a new topic of 11th class, okay, in volume first mechanics, okay. तो आज हम इस वीडियो में कुछ मैकेनिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ये इंफॉर्मेशन्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी सभी पॉइंट्स को एक चैन की फॉर्म में आपको याद रखने के लिए कि हम कंसेप्चुअली किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे. ओके, तो चलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? देखिए, आपको पता है कि हम फिजिक्स, जब हमने बताया भी था कि फिजिक्स इज नथिंग बट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एवरीथिंग इन नेचर. ठीक है ना, जो भी आपका कोई भी फिनोमिना आपका नेचर में होता है उसे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. किसमें? फिजिक्स में. देखिए, एक मैकेनिक्स एक यही पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि आपके चारों जो सराउंडिंग्स है उनकी पोजिशंस में किस प्रकार की चेंजिंग होती है, किसके कारण चेंजिंग होती है और कौन कौन से नियमों के अनुसार उनमें चेंजिंग होती है. ठीक है, देखिए मैकेनिक्स का सफ़र काफ़ी लंबा है तो डिटेल में जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आप थोड़ा सा डिटेल में इसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं. बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपकी जो फिजिक्स स्टार्ट होती है. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं. तो मैकेनिक्स मीन्स, जैसा कि आपने सुना होगा मैकेनिक वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. ठीक है, नहीं तो यह ऐसा ही कुछ है और इसके बारे में जानिए क्या होगा. देखिए डेफिनेशन हम बताते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैसिव पार्टिकल्स. ओके, वैसे मैकेनिक्स अलग अलग होती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे. इसे सिंपल मैकेनिक्स बोलते हैं. ठीक है, यदि कोई अनदर मैकेनिक्स है तो जैसे हम बोल देते हैं आपकी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गई, तो ये कुछ एडवांस पार्ट है आपके. जब आप आगे चलोगे तो यदि सिंपली मैकेनिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसे बोला जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स. और न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपकी जो बेस्ड है वो आपकी मोशन से रिलेटेड है, दैट मीन्स पोजिशन से. ओके, और मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. यदि आपके क्लियर हो गया तो ये मान कर चलिए कि फिजिक्स की काफ़ी बड़ा भाग आपको क्लियर हो जाएगा. क्योंकि यदि किसी टॉपिक का बेसिक आपका क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसके डिफिकल्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो चलिए मैकेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं. मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स. इसकी स्टडी करते हैं मैसिव ऑब्जेक्ट्स. ओके, इज कॉल्ड मैकेनिक्स. तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, ओके, मोशन कह सकते हो आप रेस्ट. ओके, मोशन और रेस्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट. क्लियर? ओके, अब आप देखिए यदि ये मैसिव ऑब्जेक्ट आपका एक कंडीशन है, यदि इसकी वेलोसिटी आपकी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है तो इस मैकेनिक्स को बोलते हैं हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स. न्यूटोनियन मैकेनिक्स. बट एक कंडीशन और है, हमने मैसिव ऑब्जेक्ट कहा और ये मैसिव ऑब्जेक्ट भी कौन से हैं आपके, मैक्रोस्कोपिक. मतलब कि आप उन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनका मास, या ये कह सकते हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं जैसे आपका एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उनकी स्टडी हम इसमें नहीं कर सकते. ओके, तो माइक्रो ऑर्डर के जो
से छोटे जो आपके ऑब्जेक्ट्स है उन्हें हम इसमें स्टडी नहीं करते। यदि आपका स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल होती है तो उस कंडीशन में न्यूटन मैकेनिक्स आपकी अप्लाई नहीं होती है, वो आपकी बन जाती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो आइंस्टीन ने दी थी, जिससे यदि आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन E=mc², वो आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। क्लियर है? तो चलिए ये बहुत स्मॉल होगी, तो यहाँ पर आप देखिए तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये मैकेनिक्स आपकी अप्लीकेबल नहीं है। अब आप चलते हैं मैकेनिक्स को, आप जो है मेनली थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, मेनली थ्री पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो आपका जो पहला पार्ट है वो आपका होता है स्टेटिक्स, क्या है आपका स्टेटिक्स, ओके स्टेटिक्स। और सेकंड पार्ट आपका है काइनेमैटिक्स, क्या है काइनेमैटिक्स। और जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका होता है डायनामिक्स। अब आप देखिए तीनों चीजें ही आपको इस बुक में स्टडी करनी है, तो कम आप सिस्टम वाइज वहां पर जाओगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी फिजिक्स की या मैकेनिक्स की, ये वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी दैट ऑब्जेक्ट विच आर इन रेस्ट, क्योंकि स्टैटिक्स मींस स्टेट, तो अपनी एक ही स्टेट में यह क्या होता रहता है आपका बना रहता है। तो ऐसे जो जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्टैटिक्स। तो इन दैट केस मैसिव ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट। अब आप बात करिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब रहेगा, तो रेस्ट में रहने का दो कारण हो सकते हैं कि या तो उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ही ना हो, या उस पर जो अप्लाइड फोर्स है वे इक्विलिब्रियम में हो, दैट मींस नेट फोर्स आपका क्या है जीरो है, नेट फोर्स क्या है आपका जीरो है। क्लियर है ना? दैट इज नेट फोर्स इज जीरो, और जिसका मीनिंग हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ इक्विलिब्रियम, ओके। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आप इसमें आप देखें कि ऑब्जेक्ट आपका मौसम में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर स्पीड वेलोसिटी एक्सीलेशन एटसेट्रा या फोर्स इन्हें कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसमें आपको अनादर थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आपके सिलेबस का अब पार्ट नहीं है, पहले मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था बट अब जाए पार्ट नहीं है। तो आगे चलिए अब बात करते हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो काइनेमैटिक्स है इसके मीनिंग ये किससे आया, ग्रीक लेटर किनीमा, ये किनीमा से आया है जिसका मतलब होता है मोशन। किससे आया है किनीमा से आया है, ग्रीक वर्ड किनीमा से जिसका मीनिंग होता है मोशन, क्या होता है मोशन। बट अब आप देखिए यहाँ पर जो डायनामिक्स है ये भी आया है आपका एक वर्ड ग्रीक वर्ड से जिसे बोलते हैं डायनामा, ये डायनामिक, डायनामिक्स, ओके। तो ये डायनामिक्स से आया जिसका मीनिंग होता है पावर, इसका मीनिंग होता है डायनामिक्स का पावर। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो पावर। अब आप यहां पर देखें कि मोशन और पावर में यहां पर कुछ एनालॉजी यूज की गई है, अभी देखते हैं। काइनेमैटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, स्टडी किसे करेंगे, स्टडी द मोशन
ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट, बट यहां पर सिंप्लीफाइड केस है, मैसिव ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए कंडीशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि इस केस में हमें कि ये मोशन किसके द्वारा किस कारण से डेवलप हुई है उस कारण का कुछ भी पता नहीं होगा। जैसे आपका जो सबसे पहला पार्ट है इस मैकेनिक्स का जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए लाइन। तो वहां पर आपको वेलोसिटी गिवन होती है, एक्सीलेशन गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, बट वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता कि उसमें मोशन किसके कारण डेवलप हुई है, किसने फोर्स लगाया है या एनर्जी प्रोड्यूस की ट्रांसफर की है, तो उन कारण्स का आपको पता नहीं होता है। जो आपकी सेकंड थर्ड कैटेगरी है मैकेनिक्स की, जिसे हमने नाम दिया है डायनामिक्स, और ये वर्ड डायनामिक्स शायद इसका मतलब है पावर, तो पावर किसके द्वारा दी गई यहाँ पर उस कारण का भी जिक्र होता है, दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्टडी द मोशन ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट विद एनी इंफॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ओके, तो यहां पर जो मोशन का जो कारण है उसका भी आपको पता कारण है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में आपने क्या किया कि धक्का लगाया, तो हमें पता चल गया कि हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उस कंडीशंस को अप्लाई करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसकी मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, और जो सेल्डी पैरामीटर्स है इस ब्रांच में हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उसके जो पैरामीटर्स है उसके मोशन से रिलेटेड उन्हें यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, तो नेट फोर्स आपका जीरो होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसके जो मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स है उन्हें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए आपका ये मार्कर है और ये ऐसे यहाँ पर मैंने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो आप देखिए इसमें कोई मोशन नहीं है, आप एप्रोक्सीमेटली वैसे तो वाइब्रेट करेगा क्योंकि मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता, तो हम ये मान सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो नेट फोर्स इस पर क्या हुआ, जीरो। अब आप देखिए ये नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ, इसका कुछ ना कुछ वेट नीचे की ओर होगा, ठीक है ना, ये तो नीचे मूव करना चाहिए, बट ये नीचे मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब यह कि इसके ऊपर की ओर भी इतना ही फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो इसका मतलब यदि इसका वेट हम कैलकुलेट कर ले, तो हम ये क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमारे हैंड द्वारा इस मार्कर पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया होगा। तो स्टैटिक्स में हम ये कंडीशन अप्लाई करके इक्विलिब्रियम की, तो हम अननोन फोर्सेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोशंस में यहाँ पर, तो पहले चूंकि हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मोशन काफी बड़ा पार्ट है, तो पहले आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज मोशन। तो हम सबसे पहले मोशन को डिफाइन करेंगे, और मोशन को जब आप डिफाइन करोगे तो आपको कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेंगे जिन टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो इससे जरूर देखिएगा यदि आपको मैकेनिक्स को अपनी कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो बच्चे कंपटीशन लेवल पर ज़्यादातर नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ मोर एंड मोर। ओके, थैंक यू।